बैकग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले जिक्र आ रहा था इस बात को लेकर के कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा देके किसी पे कोई आसान नहीं किया। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया था, हमारी हरियाणा की असेंबली चल रही थी, विधानसभा का सत्र था। विधानसभा के सत्र में विपक्ष की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम भादरा रोड नाथूश्री चोपटा। मोबाइल नंबर 98124284। सरकार के खिलाफ ये जो कृषि के तीन काले कानून बनाए गए, इसके खिलाफ सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं या कोई काम रोको प्रस्ताव देते। ये इसलिए जरूरी था कि जब आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे सत्ता में बैठे लोग थे जो बारी बारी ये कह रहे थे कि अगर किसान चल करके हमें कहेगा कि तुम इस्तीफा दो तो हम सत्ता से बाहर आ जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। बहुत सारे किसानों के धरनों में जाकर के समर्थन दे करके आए थे कि हम किसान के साथ हैं। अगर हम विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देते तो फिर उन लोगों की पोल खुल जानी थी जिन्होंने जाकर के किसानों के धरनों में किसानों को समर्थन देने की बात कही थी। मैं उम्मीद तो करता था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में, कांग्रेस कहीं इसका विरोध करेगी, कांग्रेस कहीं प्रस्ताव लेकर के आएगी। कांग्रेस की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से तीन प्राइवेट बिल दे दिए। प्राइवेट बिल अगर कोई मेंबर असेंबली का, लेजिस्लेटिव का देता है तो स्पीकर की मजबूरी है कि उसके ऊपर चर्चा कराए। मैंने जब स्पीकर से पूछा मेरे बिलों का क्या हुआ तो स्पीकर मेरी बात का जवाब देने की बजाय कहीं उस बात को कैसे टाला जाए उसके लिए इधर उधर की बातें करने लग गया। आखिर ये कह करके मेरे से पीछा छुड़ाया कि आपने जो बिल मुझे भेजे हैं वो मैंने डिपार्टमेंट को भेज दिए, डिपार्टमेंट इसके ऊपर स्टडी करके मुझे बताएगा और फिर मैं आपको इस पर चर्चा करने का समय दूंगा। दो दिन का सेशन था, मैंने कहा आपने डिपार्टमेंट को भेज दिया, डिपार्टमेंट अगर आपके पास छः दिन वापस नहीं भेजेगा तो फिर चर्चा कैसे होगी। कहने लगा अगले सेशन में करा लेंगे। जब मैं इस बात के ऊपर अड़के खड़ा हुआ कि चलो इसको मेरे कॉलिंग अटेंशन में कन्वर्ट कर दो, मैं इस पर चर्चा करनी चाहता हूं, तो सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया सरकार की तरफ से इन बिलों के ऊपर मोर लगाने के लिए। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दे दिया। कांग्रेस के लोग मेरे साथ बैठे थे, हमारी आपस में चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि सरकार स्वयं फंस गई, खुद प्रस्ताव ले आई, अब हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम किसान के हक की बात विधानसभा में कहेंगे और जो लोग किसानों के साथ खड़े हुए थे आज कहीं ना कहीं उनके चेहरों को उजागर करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते तो रहे कि हम हिस्सा लेंगे इसमें, लेकिन जब उस पर चर्चा शुरू होने की बात आई तो हाउस से वॉकआउट करके चले गए, चर्चा करी नहीं। चर्चा करने की बजाय विधानसभा से वॉकआउट कर गए। और जब मैं अकेला विपक्ष का एमएलए बैठा था तो बीजेपी वाले कहीं ये सोच करके खुश हो रहे थे कि आज अब ऐसे इनको भी सबक सिखाएंगे। मुझे स्पीकर ने बोलने का टाइम दिया, मैंने 40 मिनट तक सरकार को ना केवल कटघरे में खड़ा किया बल्कि किसी एक भी एमएलए की हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे खड़ा होकर के बीच में टोक दे। उसके बाद जब मैं अपनी बात खत्म कर रहा था तो मुख्यमंत्री मुझे कह रहा था आपने अपनी कह ली, हमारे भी सुन के जाना। मैंने कहा मैं ऐसी विधानसभा में
एक दिन भी रहना पसंद नहीं करता। जिस विधानसभा के अंदर किसान के खिलाफ कोई काले कानून लाए जाए, किसान की जमीन छीन कैसे उससे ली जाए, कैसे उसको बेचने पे मजबूर किया जाए, उस पे मोर लगाई जाए, मैं ना तो ऐसी विधानसभा में रहना चाहूँगा और ना मैं किसी विधानसभा के सदस्य से इसके बारे में कोई चर्चा सुनना चाहूँगा। ये कह करके मैं विधानसभा से बाहर आ गया था और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि इस किसान की लड़ाई में जहाँ कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, वो कांग्रेस तो कई एजेंट के रूप में काम कर गई। मैंने अपने साथियों से चर्चा करी कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। पार्टी के साथियों ने कहा कि जब कभी भी किसान की बात आई, चौधरी देवीलाल ने चाहे वो किसी भी पद पे थे, उन्होंने पद को ठोकर मारी और किसान की मदद के लिए उसके साथ खड़े हो गए। मैंने कहा विधायक का पद मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता, मैं विधानसभा से त्याग पत्र देने में कोई संकोच नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि तुम एक बार फिर इस पे विचार करो। तब मुझे सब साथियों ने कहा कि हमने फैसला आप पे छोड़ दिया। मैं भी उनसे इस बात पे मोर लगवाना चाहता था कि कहीं आज ये मुझे ये कह रहे और कल यही लोग आकर के तेरे सामने खड़े होकर के तुझे इस्तीफा ना देने पे मजबूर ना करे। मैंने उसी वक्त इस्तीफे का लेटर टाइप किया और उसके ऊपर साइन करके स्पीकर के पास भेज दिया। मेरा इस्तीफा जो था, जब मैंने इस्तीफे की बात उसमें लिखी कि 26 तारीख तक इंतजार करूंगा, 27 को मेरा इस्तीफा मंजूर माना जाए, मेरे पास साथियों कांग्रेस वालों के फोन आए, मेरे पास बीजेपी के नेताओं के फोन आए, मेरे पास जेजेपी में जो लोग हैं उनके भी फोन आए। मुझे कहने लगे 4 साल पड़े तू इस्तीफा क्यों दे रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरी पार्टी का फैसला है। मुझे साथियों दूसरे लोगों से टेलीफोन करवाया गया, किसी डॉक्टर से करवाया, किसी इंजीनियर से, किसी प्रोफेसर से, जो मुझे समझा रहे थे कि 4 साल बाकी पड़े हैं, आप विधानसभा में किसान की लड़ाई लड़ो। मैंने उनसे पूछा कि आप हो कौन, तो कहने लगे कि हम चौधरी देवीलाल के साथी हैं, हमने चौटाला साहब के साथ काम किया है। मैंने कहा अगर आप हमारे इतने बड़े शुभचिंतक थे तो जब पार्टी टूट रही थी तब आपने मुझे फोन नहीं किया, अगर आप हमारे इतने शुभचिंतक थे तो फिर कभी आकर के आपने संगठन के बारे में बातचीत क्यों नहीं करी। जब मैंने उनके नंबर निकलवाए और जब उनके बारे में जानकारी हासिल करी तो हैरानी हुई, सबसे ज़्यादा डरे हुए थे बीजेपी वाले, वो सबसे ज़्यादा इस कोशिश में थे कि इस्तीफा ना हो। जब साथियों मैंने इस्तीफा दिया तो आज ऐसी हालत इस प्रदेश में है सरकार में बैठे लोगों की, मैं तो आज कहीं भी जा सकता। दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।